24 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री की किसान रैली के प्रचार प्रसार के लिए शनिवार को गोलघर स्थित काली मंदिर से भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, भारतीय जनता युवा मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री की होने वाली ऐतिहासिक रैली गोरखनगरी की धरती पर हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा 1.72 करोड़ किसानों को उनके खाते में 6,000 रुपया भेजकर लाभान्वित किया जाएगा। अब ये युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि भारी से भारी संख्या में युवा रैली स्थल पर पहुंचकर इस ऐतिहासिक अवसर के भागीदार बने। बाइक रैली में प्रमुख रूप से महानगर प्रभारी सुनील गुप्ता, रमाशंकर शुक्ला, अजय श्रीवास्तव, महानगर महामंत्री अवधेश अग्रहरी, उपाध्यक्ष अविनाश राय, सिद्धार्थ चक्रवर्ती, शिवम मिश्रा, मनोहर गुप्ता, महानगर मंत्री सत्यार्थ मिश्र, शशांक सोनकर, राहुल यदुवंशी, संदीप जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, रणजीत राय जिंदाबाद, शिव प्रताप शुक्ला, राम श्रीवास्तव जिंदाबाद, रणजीत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद के किसानों को। अभी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके बहबूदी के लिए 6,000 रुपया वार्षिक करके दिया है, ताकि उससे उनकी जो भी जरूरत हो कि फसल के संदर्भ की, वो उसको पूरा कर सके और छोटे मोटे कार्य कर सके। इसके पहले पार्लियामेंट में बहुत दिनों की पड़ी हुई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए उनके लागत मूल्य का 1.5 गुना देने की बात कही थी, क्योंकि यही मांग थी अब उस कमेटी की जो स्वामीनाथन ने दिया था। यूपीए पूरा का पूरा बीत गया था, नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। इसके अतिरिक्त नौजवान नौकरी पेशा करने वाले लोग, जो लोग 2.5 लाख रुपये पर आय कर देते थे, अब उसको बढ़ा के 5 लाख करने का, महिलाओं के सम्मान का, ये सब लेकर के इसका विवेचन किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से किसानों को यहाँ से जो संदेश देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे, कहीं से युवाओं को संदेश दे रहे हैं, कहीं से महिलाओं को संदेश दे रहे हैं, कहीं से कर्मचारियों को संदेश दे रहे हैं। पूरे देश में जो उन्होंने किया है, उनका एक ध्येय है कि हम कैसे एक एक व्यक्ति जो जुटा हुआ है भारत के साथ, उससे लाभ दे सके, उस लाभ को दे रहे हैं।